डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की मौत पर राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अनीता वर्मा ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा केवल जुमला बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि निर्भया केस के बाद ऐसे केसों के लिए पूर्व यूपीए सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए थे, लेकिन अब वह फास्ट ट्रैक कोर्ट भी नहीं रहे। ऐसे गुनाहों के लिए तुरंत फैसले होने चाहिए, क्योंकि फैसले में देरी भी और गुनाहों को न्योता देती है, जिसका जीता जागता सबूत कुलदीप सेंगर जैसे दरिंदे को अब तक सजा का न होना और पीड़िता के पूरे परिवार की जान गंवा देने से साबित होता है। अनीता वर्मा ने कहा कि अब जब डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के गुनाहगारों की पहचान हो चुकी है और गुनाह भी कबूल किया जा चुका है, उन्हें कड़ी से कड़ी या मैं तो कहती हूँ सजाए मौत शीघ्र ही दे देनी चाहिए, ताकि निकट भविष्य में कोई दरिंदा ऐसा करने की भी ना सोचे। लेकिन लगता है आज गुनाहगारों में कानून का डर नहीं रहा है। पीआईटीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।